बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। सरवत किचन एंड ब्लॉग्स में आप सबकी दावत है। ये है अजान का वेलकम केक, हजारीबाग में अजान का वेलकम। चलिए इधर इधर आइए बेटा, चलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, केक बहुत दूर हो गया। हैप्पी बर्थडे टू छुरी लिए हुआ है, खा लेगा। बस रख दीजिए। तो बहुत ज़्यादा शोर की वजह से मेरी आवाज़ बिल्कुल यहाँ पर पता नहीं चल रही थी, इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। 7 तारीख का था, अभी पैकार लोग आए हुए थे और इमामबाड़े पे फातिहा दरूद ये सब हो रहा था। तो ये घर के बिल्कुल बगल में है, तो हम लोग अच्छे से देख सकते हैं वहाँ पर। और छोटी छोटी सी शॉप वॉप भी लगती है, सब बच्चे लोग जा कर के कुछ शॉपिंग करते रहते हैं, मज़ा करते रहते हैं। तो मुहर्रम की याद बहुत अच्छे से हज़ारीबाग में मनाई जाती है। ज़बरदस्त बारिश हो रही है आज, बहुत दिन के बाद बारिश हो रही है। अब तक सिर्फ बादल हो रहा था और थोड़ी थोड़ी सी बारिश होकर बंद हो जा रहा था। आज ज़बरदस्त मौसम है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मज़ा आ गया देखकर। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारे घर पर रोड बनने की तैयारी हो गई है और ज़्यादा क्वांटिटी में बनता है, इसलिए हम लोग सब मिलकर बनाते हैं, बहुत मज़ा आता है। काजू का पेस्ट है, नारियल का पाउडर है, मिल्क पाउडर है, बादाम का पाउडर है। तो यहाँ पर हम लोग एक एक करके सब इसमें मिलाते जाएंगे। अब इसमें पड़ेगा रोस्टेड तिल, ये रोस्टेड तिल है, और ये है पोस्ता। तो यहाँ पर ये देखिए, हम लोगों ने सब चीज़ इसमें मिक्स कर दिया और रोस्टेड तिल और रोस्टेड पोस्ता दाना भी अंदर हम लोगों ने डाला है, उससे रोट पे सोंधापन आता है। और यहाँ पे ये जैगरी वाला जो बिहार का भूरा होता है, उसमें हम लोगों के यहाँ रोट बना, तो कुछ रोट भूरे का था और कुछ रोट चीनी का था। दो किलो आटा में आधा किलो सीजी पड़ा, यानी 1/4। ये बन रहा है कुलचा। अब इसमें चीनी पड़ रही है 3 पाव, यानी 750 ग्राम। घी भी पड़ेगा वैसे ही 750 ग्राम, और ये दूध का पाउडर, मिल्क पाउडर। ये हो गया 750 ग्राम घी पड़ गया, और ये है 250 ग्राम मिल्क पाउडर पड़ गया, बेकिंग सोडा। तो कुलचा बनाने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे 2 किलो आटा लिया और उसमें 750 ग्राम घी, 750 ग्राम चीनी, 250 ग्राम मिल्क पाउडर और थोड़ा सा सोडा लेकर अच्छे से तरह से हम लोगों ने इसे मिक्स किया। 250 ग्राम काजू का पेस्ट भी इसमें जाएगा, इसको डालिए आप अच्छे से। इसको अच्छी तरह से मिक्स किया जाएगा, एकदम सब मिलना चाहिए। इसमें हम लोग थोड़ा सा नमक ऐड करके ये देखिए हम लोग चेक करेंगे कि अच्छे से बाइंड हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं बाइंड हो रहा होगा तो थोड़ा और घी ऐड करेंगे। देखिए कुलचा हम लोगों का बेक होकर आ गया है, रोट की तरह से बेल के, रोट से थोड़ा सा पतला, उसके कुकी कटर से ऐसे काट लेना है, उसके ऊपर से कलर
और पोस्ता दाना लगा कर हम लोगों ने बेकरी भेज दिया था, क्योंकि अमाउंट ज़्यादा अमाउंट में था, इसीलिए ये रहा रोट। रोट भी बेक होकर आ गया है, बहुत ज़बरदस्त बेक हुआ है। देखिए ये भी बेकरी में ही करवाया गया, क्योंकि इसकी भी क्वांटिटी ज़्यादा थी। ये देखिए 9 तारीख की सुबह का है, बहुत अच्छी हवा चल रही थी और बहुत प्यारा लग रहा था देखने में। चले गए भाई जन रोजगार हमदान वो लोग गए थे करने के लिए। के बच्चों की शहादत हो गई, हजरत मुस्लिम के बच्चों की शहादत हो गई, रो के बच्चों ने। यहाँ पर ये देखिए हम लोगों के एरिया की, यानी हर महल्ले का अलग अलग ताज़िया होता है, तो ये हम लोगों के महल्ले की ताज़िया बन रही थी और इमामबाड़ा सजाने की तैयारी चल रही थी हमारे घर पे। तो ये मैंने अपने छत से थोड़ा सा मुझे दिख रहा था, तो यहाँ से मैंने रिकॉर्ड किया जो ताज़िया तैयार हो रहा था, तो बहुत अच्छा बना। ये देखिए ये जो ताज़िया है, यही हम लोगों के महल्ले की ताज़िया थी जो इन्होंने बहुत ज़बरदस्त बनाया था, अजमेर शरीफ का नक्शा उन्होंने। आज मुहर्रम की 9 तारीख है और यहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों को हार पहनाया जा रहा है और ये देखिए ताज़िया रखी हुई है। तो अब इस वीडियो को मैं करती हूँ एंड और मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।